सुप्रभात बच्चों, हिंदी फर्स्ट में बीए सेकंड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे। हिंदी सेकंड में जो बीए सेकंड का पोर्शन है वो उसका पाठ हम आपको पहले बता देते हैं। पाठ 9, 11, 12 और 13 है। तो पाठ 9 आज हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है काल। ध्यान से सुनिएगा। कल हम सब लाल किला गए, आज हम सब कुतुब मीनार जा रहे हैं, परसों हम सब अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। यहाँ पहले वाक्य में काम बीते समय में हुआ, दूसरे वाक्य में कार्य होने जा रहा है व तीसरे वाक्य में कार्य आने वाले समय में होगा। तो जो पहले वाक्य में है बीते समय में, तो यह जो है भूतकाल हुआ, और दूसरे वाक्य में कि हम आज सब कुतुब मीनार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ये वर्तमान काल में आ जाएगा, और परसों हम सब अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, ये जो है आपका भविष्यत काल हो जाएगा। तो पहले हम जानेंगे कि काल है क्या। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, पापा बाजार से आम लाए, अंकिता ने अनन्या को मारा। इन वाक्यों से बीते हुए समय में काम होने का बोध हो रहा है, अतः यह भूतकाल है। वर्तमान काल, मम्मी खाना पका रही है, आशुतोष पत्र लिख रहा है। इन वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। तीसरा है भविष्यत काल। कल परेड निकलेगी, दशहरे पर पुतले जलाए जाएंगे। इन वाक्यों से कार्य आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है, अतः यह भविष्यत काल है। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।